अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने आप लोगों को क्या क्या एग्जाम करने बोला था, एक जन बताइए। हाँ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सर हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है। पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें हमने नोज को और थ्रॉट को एग्जामिन किया था। नोज में हमने देखा था कि नोज का बाहर शेप कैसा है, उसमें कोई डिसिमिलैरिटी या चेंजेस आ रहे हैं। नोज टिप का कलर देखा था, जिसमें दोनों नोस्ट्रिल्स के नोस्ट्रिल्स को एग्जामिन किया। ये होता है ये नोज टिप की एबनॉर्मल कलर क्या होती है? ब्लू कलर होती है। ये कब होती है? जब साइनोसिस होता है। वेरी गुड। नजल सेप्टम देखा था हमने, इसमें किसी तरीके का परफोरेशन तो नहीं है। फिर हमने नजल कैविटी देखी थी, इसमें कोई पॉलिप कोई ग्रेनुलेशन तो नहीं है। फिर अंदर या कोई फॉरेन बॉडी किसी ने नाक में घुसा देता है जी, वो भी हो सकता है जिसके कारण इंजुरी हो जाती है। सर पहले हम नेजल की ओपनिंग देखेंगे, फिर इसकी कैविटी देखेंगे, और जो सेप्टम है तो उसमें कहीं डिविएशन ना हो वो भी। अच्छा, पार्कसन कैसे करते हैं, किस किस लाइन पे करते हैं आप बताइए? एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, इंफ्रास्कैपुलर लाइन और पैरा वर्टिब्रल लाइन। पार्कसन करके दिखाइए, मैं बता रहा हूँ किस जगह पार्कसन करना है। आप पहले क्लेविकल को फिल करिए, उसके बाद में नीचे एक डिप्रेशन आएगा उसको छोड़ दीजिए, फिर पहला रिप फिल करिए, उसके बीच का उसके बाद का जो स्पेस है दैट इज द फर्स्ट इंटरकोसल स्पेस, आप वहाँ पे आप पार्कस करिए। और लाइन में ध्यान रखिए कि एंट्रियर मिड क्लेविकुलर लाइन के थ्रू ही करना है, है ना? तो ये आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन में पार्कसन हुआ है। आप इंफ्रास्कैपुलर लाइन में पार्कस करके बताइए, आप पीछे चले जाएंगे लाइन, समझ गए? वहाँ पे आप पार्कस करिए पार्कसन। आप जो शर्ट के ऊपर में कर रहे हैं इसमें आपको पार्कसन में दिक्कत आएगी, इंफ्रास्कैपुलर में ठीक है, अभी तो आप दिखा दीजिए। अच्छा, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड कहाँ सुनना है? आप स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस को रख के बताइए। वेरी गुड। आप पेशेंट को बोलिए क्या एडुकेट करना है, आप बताइए क्या क्या एडुकेट करना है। और आवाज नहीं करना है, सुनिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुंह खोल के लंबा लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, नंबर वन, आवाज नहीं करिए। और जब मैं अपनी इंस्ट्रूमेंट को जब रखूँगा तब आपको ऐसा करना है, ये चीज़ आपको समझाना पड़ेगा पर्सन को, नहीं तो आपका एग्जामिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ आप भूल गए, क्या भूल गए? क्योंकि आप अगर उसके मुंह के सामने ही श्वास लेना छोड़ना बोलेंगे तो अगर उनके कोई इन्फेक्शन है तो आपको आ जाएगा, तो आप उसको बोले कि गर्दन को उसको घुमा के बताना है कि किस जगह में घुमाना है, घुमाइए गर्दन को, घुमाइए। अगर वो नहीं कर पाता तो आप उसको बता देंगे, दोनों चले। वेरी गुड। अगर आप यहाँ तक ऐसा करोगे तो अगर 5 मार्क्स अगर हम लेते हैं, 5 मार्क्स अगर निर्धारण करते हैं तो 5 में 5 मिलेगी, इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा। सतीश ये बताइए, इंस्पेक्शन में हम लोग रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जब इंस्पेक्शन करते हैं क्या क्या पॉइंट के ऊपर में हम इंस्पेक्शन करते हैं, अगर याद है तो बताइए। जो चेस्ट का नॉर्मल साइज है वो देखेंगे। उसका अच्छा, आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन निकल के बताइए लोकेश का, क्या एडुकेट करना है उसको बोलिए। आप आंखें बंद करिए, भगवान की नाम जपिए, गर्दन को उस तरफ करिए, उसके बाद में आप उसका पल्स को फील करिए, हाथ को ऐसे उठा के लेके आना नहीं है, हाथ को वहीं रखिए और पाल्स को फील करिए, ऐसा ऐसा आपको प्रिटेंड करना है कि आप उसका पाल्स देख रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है बताइए। जो
सांस ले रहे हैं तो वो एग्जामिन कर रहे हैं कि मतलब पहले नहीं, आपको मूवमेंट को देखना है। किसकी मूवमेंट देखना है? मूवमेंट या एब्डोमेन के मूवमेंट, इनमें से कोई एक को देखना है। चाहे आप चेस्ट का देखिए या एब्डोमेन का देखिए। मूवमेंट मतलब या अपवर्ड्स या लोअर, चेस्ट ऊपर आ रहा है या नीचे जा रही है, इनमें से कोई भी एक, और उसको काउंट करना है। एक मिनट करते रहिए, उसको बताइए क्या करना है, बताइए। बीच में जो बात करते रहिए, लंबी सांस नहीं लेना है, गलत। यहाँ पे आदमी आराम से अपना सांस लेते रहेगा, छोड़ेगा, इसमें लंबी सांस लेना नहीं है। नहीं, उसको नहीं बोलना है। आप बोले कि आप चुपचाप पेट पड़े रहिए आंखें बंद करके, भगवान के नाम जपिए, इतना चीज बोलना है। बोलो, मैं जैसे कह रहा हूँ। काउंट कर रहे हैं ना आप? काउंट कर, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन करने के पहले जिसको हम एग्जामिन करने हैं कर रहे हैं उनको कुछ एडुकेशन देने की आवश्यकता है, कुछ काउंसलिंग की आवश्यकता है, तभी हमारा ये एग्जामिनेशन सक्सेस होगा, नहीं तो हमारा फाइंडिंग सही नहीं हो पाएगा। तो कोई भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, तीन चीज़ ध्यान रखना है। एक, पोजीशन ऑफ द पर्सन। टू, काउंसलिंग। एंड थ्री, वर्क, माने हम कैसे क्या एग्जामिन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ द पर्सन क्या होता है, जैसे बिठा के, पोजीशन ऑफ पर्सन क्या क्या होता है? पहले सिटिंग में लेंगे। आप काउंट करो, आप इसमें ध्यान न दो, मैं अपना लेक्चर दे रहा हूँ। कि पोजीशन मतलब जैसे बिठा के या लिटा के, दो पोजीशन है, बिठा के या लिटा के, किसकी पोजीशन है ये जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। आपका पोजीशन, आपको खड़े होके ही काम करना है। आपको बैठ के काम करोगे तो यू कैन नॉट रीच द पेशेंट, मतलब आपको एक पेशेंट के साथ में ऐसा व्यवहार बनानी है ताकि आप अपना काम अच्छी तरह से कर सके और अपना फाइंडिंग्स को सही ढंग से निर्धारण कर सके, पहचान कर सके। जब तक ऐसा नहीं करेंगे आप अपने से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप तो आप बताइए कितना देखा है इनका? अप्रॉक्सीमेटली ये बात भी नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर ए साइंस स्टूडेंट। हमको 1+1 2 ही होना है, 1+1 2 भी, 0 भी, 1 भी नहीं चलेगा। यस, देखिए आप लोग अभी नया नया कर रहे हो इसलिए ये गलतियां हो रही है, इसके ऊपर में आपको ऐसा करते करते आप सीखोगे। आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, आपने पेशेंट को काउंसिल किया क्या, आपका पोजीशन कैसा रहा और आपने कैसे एग्जामिन किया है, तीन चीज के ऊपर में आपको मार्किंग मिली। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम।